जैस्मिन। हाय अमन, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ? मैं भी बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कि आज आउटडोर शूट में कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है अमन। एक्चुअली आज बाहर शूट करके ऐसे लग रहा है कि कम्प्लीटली फ्रीडम है जैसे हमारे पास। फ्रीडम की बात आती है तो फ्रीडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक हमें फ्रीडम ना मिले, बाहर घूमने को ना मिले, तो एक ना इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे उसको ना कुछ कमी है उसकी लाइफ में, होगी है शायद जैसे, हाँ, है ना, ऐसे करके। और खुली हवा में तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अमन, पर आपको पता है कि आज तो हम बहुत ज़्यादा फ्रीडम महसूस कर रहे हैं, एकदम खुले में सांस ले पा रहे हैं, और विचारों में भी हम बहुत ज़्यादा फ्रीडम वाइज बहुत एडवांस हो चुके हैं। लेकिन एक टाइम था जब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। बिल्कुल। अगर उस टाइम की मैं बात करूं तो हम जो पर्टिकुलरली लेडीज का जो ग्रुप था वो ना तो सिर्फ ब्रिटिशर्स के गुलाम थी, बट एक सोसाइटी की मानसिकता की बहुत बड़ी गुलाम थी उस वक्त। ब्रिटिशर्स की तो जो गुलाम थी ही थी, लेकिन जो समाज था उसकी सबसे ज्यादा गुलाम थी। कहते हैं ना कि अगर घर में ही गुलामी हो तो फिर बंदा करेगा तो करेगा क्या। करेगा तो कुछ औरतों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता था, उनको घर में ही गुलाम बना के रखा जाता था, चार दीवारों में बंद करके रखा जाता जी, था। जी जी बिल्कुल। पर अगर उस टाइम पे उस दौर की हम बात कर रहे हैं तो शायद अभी पीछे हमने पूरा एक वीक ये चीज़ें डिस्कस भी की हैं, कुछ वेमेन आगे आई, उनकी एम्पावरमेंट हुई। तो अमन, आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अगर ये औरतें आगे आ पाई हैं तो इनके पीछे कुछ मर्दों का हाथ भी होगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये स्लोगन तो बहुत बार सुनने को मिलता है कि कोई मर्द अगर आगे आता है या सक्सेसफुल होता है तो उनके पीछे औरतों का बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन अगर हम पुराने टाइम की बात करें, जब औरतों को अंदर रखा जाता था, इवन उनको घर के बाहर पैर रखने की इजाज़त भी नहीं होती थी, तब कुछ ऐसे मर्द थे जिन्होंने उनको आगे लेके आए हैं। उन्हीं की वजह से आज हम खुले में घूम पा रहे हैं, आज हमारी एक पहचान बन पाई है। उन्हीं में से एक नाम है राजा राम मोहन रॉय जी, जी का। अगर मैं उनकी बात करूं तो सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया था, सती प्रथा को ख़त्म किया था। बिल्कुल, सती प्रथा बिल्कुल। क्या होती थी पहले ना, जब छोटी एज में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, और शादी करने के बाद उनके जो हस्बैंड होते थे उनके डबल ट्रिपल एज के होते थे, और जब तक वो लड़कियां थोड़ी बड़ी होती थी, लाइक 16 to 17 ईयर की एज में पहुंचती थी, तब तक उनके हस्बैंड की डेथ भी हो जाती थी। और उनके हस्बैंड के साथ ही, जैसे ही उनके हस्बैंड की डेथ हुई, उनका संस्कार करते थे, उनके साथ ही लड़कियों को भी आग में दफन कर दिया जाता था, उनको भी मार दिया जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि ये एक ही इंसान की है तो एक के साथ ही मरेगी, उसकी जीना भी उसके पति के साथ ही है और मरना भी उसके पति के साथ ही है। तो राजा राम मोहन ने कुछ अपने घर में ऐसी चीज़ देखी, उनकी भाभी के साथ ये चीज़ जब हुई तो उनके दिल को ठेस पहुंची और उन्होंने सोचा कि ये तो गलत हो रहा है, कि हर एक इंसान को जीने का हक है, वो अगर उसके साथ का जो पार्टनर है वो उसकी मौत हो चुकी है तो क्यों लड़कियों को क्यों उसके साथ मारा जाए। जी, तो जी। तब उन्होंने जो सती प्रथा थी उसको खत्म करने की स्टार्टिंग करी थी। जी, अच्छा, एक मुझे बहुत ना इंटरेस्टिंग सी अपना किस्सा याद आ रहा है, क्योंकि हिस्ट्री में राजा राम मोहन रॉय के बारे में मैंने बहुत पढ़ा था जी। तो उस टाइम पे मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी कि यार ये किस जिले के, किस डिस्ट्रिक्ट के राजा थे ये। हाँ, हाँ। लेकिन उनके बारे में ये एक फैक्ट है कि उन्हें राजा का टाइटल जो मिला था वो अकबर टू ने दिया था जब उन्हें इंग्लैंड भेजा गया था, वैसे उनका नाम राम मोहन रॉय था। और अगर उनकी निजी जिंदगी की हम बात करें तो उनका एक टिपिकल ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हुआ था, और यही एक रीज़न था क्योंकि शुरू से उनका एक रिफॉर्मिस्ट सोच थी, मतलब वो हमेशा इम्प्रूवमेंट्स चाहते थे, और फादर उनके टिपिकल ब्राह्मण थे, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से थे, तो उनकी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहती थी अपने घर वालों के साथ। इसी चक्कर में, इसी के चलते वो अपने घर से भी निकल गए थे, जो कि शायद बहुत बड़ी बात थी कि किसी और के लिए हम अपना घर छोड़ रहे हैं, एक सोच के लिए अपना घर छोड़ रहे हैं। और उसी के साथ साथ जब वो घर से निकले, उन्होंने बहुत सारी जगहों का भ्रमण किया, बहुत जगह वो घूमे थे, उससे उनकी नॉलेज बहुत बढ़ी, उन्होंने स्टडीज़ बहुत की थी, हर रिलीजन के ऊपर उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। शायद यही रीज़न है कि उनकी जो रिफॉर्मिस्ट जो सोच थी उसे एक बल मिला और वो आगे इतने सारे स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स लेकर आ पाए थे। बिल्कुल बिल्कुल। जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने मुंशी की जॉब भी करी, और मेन जो है सोशल वर्क जो है वो उस टाइम पे स्टार्ट किया था। सोशल वर्क में सबसे पहले तो उन्होंने सती प्रथा का किया, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके
अलावा अगर मैं बात करूँ, चाइल्ड मैरिज को भी उन्होंने ख़त्म किया कि बच्चों की ही शादी कर दी जाती है, वो भी कहीं ना कहीं एक लड़की के लिए या एक इवन लड़के के लिए भी ना, दोनों के लिए एक बहुत गलत सा प्रभाव डालती है, क्योंकि दोनों की जो स्टार्टिंग होती है उसी में शादी कर दी जाए तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ जाती है। तब तक उनको कुछ इतना पता भी नहीं होता था, लेकिन जिस टाइम में बच्चे को पढ़ना चाहिए उस टाइम में उसको फैमिली का प्रेशर पड़ जाता है। तो उन्होंने चाइल्ड मैरिज को ख़त्म किया, उसके अलावा जो विडो री मैरिज थी वो भी उन्होंने स्टार्ट करवाई। जी जी, अगर हम इनकी बात करें, इन्होंने दो ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी की थी, एक आत्मीय सभा थी और एक ब्रह्मो समाज था। तो उनके ऊपर इन्होंने विमेन के ऊपर बहुत सारी बात की है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने रिलीजन के ऊपर काफ़ी अच्छे इनके विचार थे। इन्होंने वन गॉड का कंसेप्ट दिया था, और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो कास्टिज्म के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा बोला है, काफ़ी काम किया। इवन इनको काफ़ी सारे रिलीजन्स की और लैंग्वेजेस की प्रॉपर नॉलेज थी, इसी वजह से इन्होंने रिलीजन पे बहुत काम किया, कास्टिज्म को ख़त्म किया कि ये कास्ट है वो कास्ट है, इसको आगे आना चाहिए इस वाली कास्ट को, इसको आगे नहीं आना चाहिए, उस चीज़ को इन्होंने अबॉलिश करने की कोशिश करी। और साथ के साथ ही स्पेशल जो काम था, इक्वल राइट्स दिए वुमेन को, कि अगर वुमेन है वो जो मर्द है उसकी तरह काम भी कर सकती है और इक्वल पे भी उसकी तरह ले सकते। अगर एक चीज़ और भी थी कि आज आप कई बार ये चीज़ें देखते हो कि भाई बहन होते हैं या आप इन लॉज के घर में हो तो आपको प्रॉपर्टी के हक इतने उस टाइम पे नहीं दिए जाते थे। ही वॉज वन ऑफ दोज फर्स्ट पर्सन इन हिस्ट्री जिन्होंने वेमेन के प्रॉपर्टी राइट्स के लिए आवाज़ उठाई थी। इन्होंने बोला था कि जो वेमेन है उसको भी पूरा हक है अपने पिता की प्रॉपर्टी में, और साथ ही ये साथ वेमेन की एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा इन्होंने काम किया, एजुकेट होनी चाहिए वेमेन भी, उस चीज़ पे काम किया। उसके अलावा अगर इंटरकास्ट मैरिज की बात करें, हमने आपको बताया कि कास्ट सिस्टम पे उन्होंने बहुत काम किया है ना, तो साथ के साथ इन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस पे भी जोर दिया कि ये ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से ही शादी करनी है, शूद्र है तो शूद्र से ही शादी करनी है, विचार मिलने चाहिए, इंटरकास्ट मैरिज भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तब से स्टार्ट हुई थी इंटरकास्ट मैरिज। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मैरिज की बात चल रही है तो मल्टी मैरिज भी एक आती है जिसको हम पॉलीगैमी भी कह देते हैं, कि एक लड़की की ना कितने सारे लड़कों के साथ शादी कर दी जाती थी। तो पांडवों वाला भी अगर किस्सा हम जर्नलिज्म बहुत पल्यूट हो चुकी है, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं जर्नलिज्म के जो पैर थे वो इंडिया में शायद इन्होंने ही रखे थे। और इनकी जो जर्नलिज्म थी उसका कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि जो सच्चाई है हम उसको प्रमोट करेंगे, उसके लिए वर्कआउट करेंगे। तो दैट इज़ वाई इनको फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म भी बोला जाता है। और अगर वैसे मैं इनकी बात करूँ तो शायद ये काफ़ी पुराने दौर के ज़रूर होंगे, लेकिन मॉडर्न इंडिया के जो रूल्स हैं या जो इन्होंने जैसे देखा था, इन्होंने ये रूल्स इन्होंने ही सेट किए थे, तो शायद वही रीज़न है इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है। अब इन रिफॉर्मर्स की बात तो करें, लेकिन इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है, जहाँ से इन्होंने कॉन्सेप्ट उठाए हैं, वो क्यों है? क्योंकि ये लोग एजुकेटेड, बिल्कुल जो इंसान एजुकेशन को के साथ भरपूर होता है, कहते हैं ना कि एजुकेशन ऐसे नहीं है, अगर कोई एजुकेट है तो उसका एक प्रभाव अलग ही होता है। तो ये भी एजुकेटेड पर्सन थे इसीलिए इन्होंने ये काम करे। और अगर एजुकेशन की बात करें तो मेरे जहन में एक और नाम आ रहा है। कौन सा? ज्योतिबा फुले जी का। जी, अगर ज्योतिबा फुले की हम बात करें तो शायद अमन ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने इंडियन सोसाइटी को अपनी पहली टीचर दी थी, सावित्री बाई फुले के बारे में टीचर जो दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी अगर हम बात करें, वो खुद भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज थे, उनको शौक था। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस दौर में वो थे उस टाइम में ना, वो उपनिषद या वेद जो पुरानी स्टडी होती है उनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता था। ये पहले थे जिन्होंने SST हो गया, साइंस हो गया या मैथ्स वगैरह की स्टडी करी थी, इन्होंने मॉडर्न वे से स्टडी करी थी। जब इन्होंने मॉडर्न वे से स्टडी करी तो इनका दिमाग इस चीज़ में चला कि क्यों ना हम मॉडर्न स्टडी को आगे भी लेके जाएं, क्योंकि आने वाला जो टाइम है उसमें मॉडर्निटी आएगी। हम देखते आ रहे हैं कि जैसे जैसे सदियाँ चेंज होती जाती हैं वैसे वैसे ही मॉडर्निटी भी आती जाती है। तो इनका ही वो कॉन्सेप्ट था कि हम क्यों ना
मॉडर्निटी लेके आए, स्टडी में मॉडर्निटी लेके आए, तब इन्होंने वो मॉडर्निटी को लाने की कोशिश करी और इनकी 13 साल की एज में शादी हो गई सावित्री बाई फूले जी के साथ। और उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ है, उनमें ये टैलेंट है कि वो आगे भी जो एजुकेशन है उसको आगे भी दे पाए उस एजुकेशन को। तब उन्होंने उनका भी साथ दिया, उनको भी पढ़ाया और उनको फर्स्ट फीमेल टीचर भी बनाया। जी, अगर इनकी मैं निजी ज़िंदगी की बात करूँ अमन, तो ये एक बहुत लो कास्ट फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके जो फादर थे वो माली थे, उस टाइम के जो पेशवा थे बाजीराव टू, उनके वहाँ ये फूल पहुँचाते होते थे। लेकिन वहाँ पे तभी एक ये बात फेमस थी, हम कह रहे हैं कि औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन उस टाइम पे जो लो कास्ट होती थी उन्हें भी पढ़ने नहीं दिया जाता था। बट ये चीज़ जब इनने देखी कि ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, ब्राइट है, तो सबने प्रमोट किया कि आप इन्हें पढ़ने भेजिए। पढ़ाई की, पढ़ाई से इन्हें जो ज्ञान आया उसकी वजह से ही शायद ये जो चेंजेस ला पाए, ये उसी का नतीजा था। अगर वैसे हम इनकी बात करें तो ज्योतिबा की जो मदर थी, काफ़ी छोटी एज में उनकी डेथ हो गई थी और एक भाई थे उनकी भी डेथ हो चुकी थी। तो मतलब अपने घर के ये अकेले बेटे थे और सबसे लाडले थे। पर फिर भी आप देखिए कि मैं एक ये चीज़ पर्सनली समझती हूँ कि जब आप सोसाइटी के अगेंस्ट जाते हैं तो आपको इस हद तक डरा दिया जाता है, जैसे इनके केस में हुआ था। इतने स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स ये लेकर आए थे कि इनके पिताजी ने इन्हें बोल दिया था कि भाई तुम घर से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारी जान को भी खतरा है और तुम्हारी जान को भी खतरा है। इन्हें ऑपोजिशन बढ़ रही थी, बहुत बढ़ रही थी इन्हें, मतलब एक तरह से डेथ थ्रेट्स आने शुरू हो चुके थे। उस टाइम पे इन्होंने अपने एक मुस्लिम फ्रेंड थे उस्मान शेख, उनके घर जाके इन्होंने पनाह ली थी और उनकी जो बहन थी फातिमा, उनके साथ इन्होंने अपना जो स्कूल्स थे उन्हें शुरू किया था। तो वो पहली मुस्लिम टीचर थी शायद, अगर हम उस टाइम की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद इन्होंने जब ये अपनी वाइफ के साथ मिल गए, फातिमा भी होगी, इनके मुस्लिम फ्रेंड भी साथ में होंगे, तो सब लोगों ने इकट्ठे होकर एजुकेशन को बढ़ावा दिया, बहुत सारे स्कूल्स खोले, उनमें लड़कियों को पढ़ने के लिए बुलाया गया, इवन जो शेड्यूल कास्ट भी थे उनको भी बुलाया गया कि आप सब लोग पढ़ सकते हो। तो उसके साथ साथ ही इन्होंने एजुकेशन पे काम किया। एजुकेशन के अलावा इंटरकास्ट मैरिज हो गई या विडो री मैरिज हो गई, उन चीज़ों पे भी इन्होंने बहुत सारा काम किया। इवन एक सत्यशोधक समाज की सृजना करी उस टाइम पे। उसमें क्या था कि कुछ लड़कियां थी जिनको बचपन में शादी कर दी जाती थी, जब तक वो अपनी प्यूबर्टी एज में आती थी तब तक उनके हस्बैंड की डेथ भी हो जाती थी। लाइक 16 to 17 ईयर जब आते थे उनके, तब तक उनकी डेथ हो जाती थी उनके हस्बैंड की। और साथ के साथ कई लड़कियों का तो ये भी था कि उनके बच्चे भी हो जाते थे, लेकिन अब उनको संभालने के लिए कोई नहीं होता था। इवन उनके जो इन लॉज थे उनको प्रेशराइज करते थे और इवन रेप तक भी उनका करते थे उन लड़कियों का। तो उनका तो कोई रहता ही नहीं था। पुराने टाइम में ये माना जाता था कि लड़की की शादी कर दी, अब उसकी जो अर्थी है वो हस्बैंड के घर से ही उठनी है। तो उस चक्कर में जो उसका मायका होता था वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हो जाता था शादी के बाद। तो इन्हीं चक्करों में या तो उन लड़कियों का रेप कर दिया जाता था, या उनको वैसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता था, या फिर मारा जाता था। तो उन लड़कियों के लिए इन्होंने स्टार्टिंग करी सत्यशोधक समाज की। उसमें उन्होंने बोला कि ये लड़कियां यहाँ पे हमारे पास आए उनका प्रॉपर तरीके से वो ख्याल रखा करते थे। जी जी। अच्छा अमन, ये तो उस दौर की बात थी शायद, ठीक है। अगर हम आज की भी बात करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने अभी स्टैटिस्टिक्स देखे होंगे, पिछले साल कोरोना में ऑलमोस्ट 80% जो हमारी कोरोना वॉरियर्स थी वो फीमेल्स थी। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना एक ऐसा युद्ध था, मैं ये कहूंगी कि शायद World War III कराने की जरूरत नहीं थी, ये World War III खुद ही हो गया था। युद्ध ही था, एक अपने आप से ही लड़ाई थी ये। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों से तो क्या लड़ना, लेकिन अपने आप से ही लड़ाई थी। अपने आप को घर के अंदर बंद रखना और घर में ही रहना, चार दीवारों में ही जीना, खाना भी वहीं पे, इंजॉय भी वहीं पे। इंजॉय तो खैर काफी खत्म ही हो गया था उस टाइम पे। ऑलमोस्ट ऐसे ही कुछ उस टाइम में भी हुआ था, प्लेग की बीमारी जब आई थी। जी,
ये प्लेग की बीमारी जो थी उस टाइम पे भी इन्होंने काफ़ी फूड हॉस्टल्स खोले थे, तो लोगों को तब भी काम दिया, काफ़ी उनकी सेवा की थी। इनकी एक बहुत खास बात है, इनके कोई बेटा नहीं था, तो इन्होंने एक लड़का एडॉप्ट किया था जो कि बहुत ब्रिलियंट थे, बड़े होकर डॉक्टर बने, तो हॉस्पिटल्स में उन्होंने भी बहुत सेवा की थी। और अगर मैं यहीं पर सावित्री बाई की बात करूँ तो उनकी भी जो डेथ है उसी हॉस्पिटल में प्लेग की वजह से ही हुई। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ अगर ज्योतिबा की बात करें तो इनसे इवन ब्रिटिशर्स भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वो कभी भी अगर उन्होंने कोई रूल्स बनाने हैं या लॉ बनाना है तो वो इनके साथ सलाह ज़रूर करते थे। और इनके जो स्कूल्स थे मेन, उनको अगर हम सपोर्ट की बात करें तो उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट ब्रिटिशर्स ने ही किया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने जो स्टेप्स उठाए थे, जो रिफॉर्म्स उठाए थे, वो इतने ज़्यादा सोसाइटी के अगेंस्ट थे कि कोई इनका शायद साथ देने को तैयार नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको पता है जब सावित्री बाई पढ़ाने जाया करती थी तो वो अपने साथ हमेशा दो साड़ियाँ रखती थी। कैसे? एक साड़ी वो हमेशा डाल के जाती थी, तो वो डाल के जाती थी रास्ते में, लोग उनके बहुत अगेंस्ट थे, तो वो जो भी काऊ डंग था या ईंटें पत्थर जो भी मिट्टी थी उनके ऊपर फेंकते थे। तो इसलिए जब वो पढ़ाती थी स्कूल्स में जाके तो वो अपनी साड़ी चेंज कर लेती थी। तो मतलब आप देखिए उस टाइम पे इतना ज़्यादा इनका रिपल्शन था, लोग इतने ज़्यादा खिलाफ थे, लेकिन ये फिर भी उभर के आए उस वक्त। मतलब कि अगर किसी ने कुछ अच्छा करने का काम शुरू किया है जी बिल्कुल, उनको ऑपोजिशन का तो बहुत ज़्यादा सामना करना ही पड़ा है। लेकिन हम लड़कियों को और उन सोशल रिफॉर्मर्स को सलाम करते हैं जिन्होंने लड़कियों को आगे लेके आया। और आज अगर देखें हम, कौन सी लड़की है या किस समाज की लड़की है जो पायलट नहीं बनी जी, या जी, आर्मी में नहीं आई या फिर कल्पना चावला की तरह चांद को नहीं छुआ जी। तो ऐसी अगर आर्मी की बात करें तो आर्मी में लड़कियों का आना एक डिफरेंट सी चीज़ लगती है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल कहते हैं कि जो लड़के हैं वही फिजिकल टास्क कर सकते हैं, फिजिकल अगर कोई भी काम है तो लड़कों के ऊपर ही निर्भर है। लेकिन लड़कियां आखिरकार आर्मी में आई कैसे थी? पता है अमन, ये चीज़ ना आप जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो इसका हम अगर क्रेडिट दें तो शायद एक इंसान है हिस्ट्री में जिनको सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है, वो है सुभाष चंद्र बोस जी। अगर मैं उनकी बात करूँ तो मैं अपने वर्ड्स में उन्हें ये कहूँगी कि वो शायद बहुत अनसंग हीरो ऑफ द हिस्ट्री रहे हैं, क्योंकि उनको जितना उनका गुणगान जो वो डिज़र्व करते हैं शायद उतना क्रेडिट नहीं मिला है अभी तक। क्योंकि अगर हम वैसे बात करें, आर्मी एक बहुत स्ट्रॉन्ग जॉब है, बहुत ज़्यादा, और शुरू से लड़कियों को ये चीज़ सुनने को मिलती है कि तुम टीचर बन जाओ या तुम डॉक्टर बन जाओ या कोई हाउसहोल्ड काम कर लो, क्योंकि उन्हें ये माना जाता है तुम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो जी जी। बहुत उन्हें नरम सा रखा जाता है, लेकिन शायद वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये चीज़ सोची कि नहीं, अगर हमें अपनी आर्मी को, अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसमें हमें हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग और इवन हर जेंडर के लोगों को लेके आना पड़ेगा। उस टाइम में ना कहीं हम लोग गुलाम थे, तो अगर उस गुलामी से निकलना है तो हमें अपनी फोर्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी बहुत था। जरूरी वो कहते हैं ना कि अगर कुछ स्ट्रांगनेस का काम करना है तो घर से ही स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो घर में ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे। अगर हम जातों की बात करें, कास्ट की बात करें, तो अगर उन लोगों को, चाहे लड़का है या लड़की है, उनको अगर आर्मी में लेके जाना है तो उसमें शूद्रज भी आएंगे, ब्राह्मण्स भी आएंगे, हर एक कास्ट आएगी, तो उन कास्ट में ही खुद ब खुद नहीं बनती थी, वो एक दूसरे से थे है ना, कॉन्फ्लिक्ट उनके ही थे। तो उन्होंने, सुभाष जी ने ये सोचा कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही रहे तो कैसे काम चलेगा, तब उन्होंने ये चीज़ बनाई कि हर एक घर से, इंडिया के हर एक घर से एक, चाहे लड़का चाहे हो लड़की, एक ना एक बंदा आर्मी में आएगा ही, और ये जो कास्ट सिस्टम है इसको साइड पे रख के आएगा। तब लड़कियों को पहल मिली कि वो आएँ आर्मी में और अपना जलवा दिखाएं। और उन्होंने क्या किया कि हर एक आर्मी के लिए उन्होंने एक जगह, वो कहते हैं ना कि रिजर्व्ड कर दी लड़कियों के लिए जी, कि जी, एक जी। लड़की तो पक्का होनी ही होनी है। तो लड़कियों को आगे आने का मौका मिला एज अ आर्मी मैन, आर्मी मैन ही कहूँगी मैं, क्योंकि वो लड़कियाँ भी मैन की तरह ही काम बराबर कर रही थी, बराबर काम कर रही थी, और उनको प्रॉपर उनको सिखलाई दी गई और उनको आर्मी में इंट्रोड्यूस करवाया गया और आर्मी को स्ट्रॉन्ग करवाया गया था जी। अच्छा आप मुझे ये बताइए अमन कि हम इन सब जो ये मेन हैं इनकी बातें कर रहे हैं कि कैसे कैसे इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए ताकि विमेन के स्टेटस इम्प्रूव हो सके, आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा पर्सन था
जिसकी वजह से मतलब आप जो हैं आगे आ पाई हैं? मैं आगे आई हूँ तो सबसे पहले जब मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग करी थी तो कहते हैं कि अपने घर से ही होती है जी, तो जी, घर जी. में मेरे फादर और मदर का ही नाम लूंगी. मेल में फादर और फीमेल में मदर थी है ना. तो ऊपर मेरे फादर की जल्दी डेथ हो चुकी थी, उसके बाद मेरे मम्मा ही थे जिन्होंने मेरे को प्रॉपर सपोर्ट किया. उन्होंने ही बोला कि बेटा तू आगे जा, हम तेरे साथ हैं. मेरे को भी काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा. वो कहते हैं ना कि अगर आप सड़क पर चलते तो 100 कुत्ते पीछे भौंकने वाले मिलते ही मिलते बिल्कुल, बिल्कुल. तो मैंने उन कुत्तों को अवॉइड करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंच पाई हूं. और साथ ही साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा हाथ है जिसने हमें बहुत सारे हक दिए. अगर मैं आज बोलने के, इवन हम सब, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, अगर बोलने का हक है तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है. बिल्कुल. अगर जीने का हक है तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ हमारे लिए हक बनाए हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. इसीलिए तो भारत को डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है. और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की अब बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताती हूँ. ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिसका हम इतना लाभ उठा रहे हैं, मतलब मैं लाभ उठा रहे नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, जिसकी वजह से हम इतने फ्री हैं, हमें पूरी फ्रीडम है, तो शायद हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भूल नहीं सकते, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी को. बिल्कुल, उनकी बहुत बड़ी देन है. उनकी वजह से, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, तो उनकी वजह से ही आज हम यहाँ पे बैठे हैं, शूट कर पा रहे हैं. इवन चाहे लड़का हो चाहे लड़की है, अगर वो आज खुलेआम घूम रहे हैं, अपने हकों की वजह से ही घूम रहे हैं वहाँ पे. अगर उनकी बात करें तो उनके ऊपर पॉलिटिक्स तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर कामों की उनकी बात करें तो वो पॉलिटिक्स होनी नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल. सबसे पहले तो उन्होंने जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करी थी, अनटचेबिलिटी की. अनटचेबिलिटी बहुत ही जो छोटी जात के लोग होते थे, लाइक शूद्र जिन्हें हम कह देते हैं, तो शूद्रों को ना, जो ब्राह्मण्स होते थे, बड़ी जात के लोग होते थे, वो हाथ भी नहीं लगाते थे. इवन उन्होंने अगर किसी खाने की चीज़ को छू दिया है तो उनको खाना फेंक देते थे उनके वाला. और उनको मंदिरों में जाने का हक नहीं था, हर एक जगह में अलग अलग ही रखा जाता था. कुछ यही हाल था, अगर हम वैसे इनकी बात कर रहे हैं तो जो शूद्रस का या जो दलित्स का हाल था वो सेम विमेन का हाल था. तो इन्हें ये चीज़ बहुत इफेक्ट की थी. तो इन्होंने यही बोला था कि शायद जो चीज़ें अगर मैं दलित्स के लिए कर रहा हूँ तो वही सेम जो लॉज हैं वो वुमेन के लिए भी होने चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने वुमेन को भी एक दलित ही कहा था, क्योंकि उनको दिखता था जैसे दलित को एक साइड पे रखा जाता था. तो वुमेन का भी वही हाल था, चाहे फिर वो लोअर कास्ट की है चाहे फिर वो अपर कास्ट की है. वहाँ से उन्होंने वुमेन के लिए काम करना स्टार्ट किया. सबसे पहले तो उन्होंने ये लॉ बनाया कि वुमेन को भी राइट है प्रॉपर काम करने का जैसे लड़के करते हैं, और उनको भी राइट है उनकी तरह ही पे पाने का. जी जी. अच्छा अमन, आप मुझे ये बताइए कि आप मैक्सिमम अपनी लाइफ में कितनी डिग्रीज कर सकती हैं? कितनी डिग्रीज कर सकती हूँ? मेरी अभी तक तो मैं बात करूँ तो मास्टर्स हो चुकी है, तो मैं भी एक दो और कर सकती हूँ. एक दो और? बट अगर हम बी.आर. अंबेडकर जी की बात करें तो इन्होंने अपनी लाइफ में 23 PhDs की हुई थी. तो आप PhDs. सोच सकते हो कि कितनी इन्हें नॉलेज होगी तभी ये एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो एक देश को पिछले 60-70 साल से चला रहा है. इसी वजह से उनको पॉलिटिकल नॉलेज, सोशल नॉलेज, इवन इकोनॉमिक नॉलेज इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ के बारे में पढ़ रखा था. पढ़ने की वजह से ही उन्होंने आगे भी लड़कियों को, लड़कों को इक्वल राइट्स दिए इन चीज़ों में, और इक्वालिटी पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया कि इक्वल होना चाहिए. चाहे लड़का है चाहे लड़की है, चाहे शूद्र है चाहे ब्राह्मण है, तो हर एक इंसान इक्वल ही होना चाहिए. इक्वालिटी के अलावा इन्होंने और जैसे ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क है उस पर बहुत काम किया, वो उनमें सुधार किया, और मेटर्निटी रिलीफ भी दिलाया लड़कियों को. उसके अलावा जो ये डिस्क्रिमिनेशन थी, डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करने का सबसे बड़ा उन्हीं का हाथ है. उसके अलावा जो सोशल इनजस्टिस की बात करूँ मैं, या फिर एक्सप्लॉयटेशन की बात करूँ, उसको भी इन्होंने ख़त्म करने के लिए काफ़ी सारे लॉस बनाए, काफ़ी काम किया था. अगर हम इतना अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो शायद ये बताना एक बहुत ही प्लस पॉइंट होगा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो टोटल 11 months and 49 days में लिखी गई थी, मतलब ऑलमोस्ट एक साल में लिखी गई थी. बहुत बड़ी बात थी, बहुत मेहनत का काम था शायद. बिल्कुल.
अच्छा जैस्मिन, हम इन चीज़ों की बात तो कर रहे हैं, इन सारे रिफॉर्मर्स की भी बात कर रहे हैं ना, इनकी सोच कहीं ना कहीं मिलती थी, इन्होंने ज़्यादातर जो दलित्स हैं या वुमेन हैं उनके लिए काम करा। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग कहें कि इनको ये सोच आई कहाँ से, तब एक नाम मेरे को याद आता है, श्री गुरु नानक देव जी का, क्योंकि वो सबसे बड़े रिफॉर्मर और दुनिया के पहले रिफॉर्मर हैं जिन्होंने इन चीज़ों को उठाया था। काम तो इन पे हुआ, वो बाद में हुआ, जिनकी हम बात कर चुके हैं उन्होंने काम किया, लेकिन इनको उठाने वाले कौन थे, वो थे श्री गुरु नानक देव। अब आपने उनकी बात कर ही ली है, तो कुछ वुमेन्स वीक चल रहा है, तो मुझे उनकी एक जो तुक है बहुत याद आ रही है, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा। इसका बहुत मतलब स्पष्ट मतलब था, और शायद उन दिनों में, जैसे अभी आपने बोला कि रिफॉर्म्स और लॉज तो शायद बाद में आए हैं, लेकिन सोच पहले आ चुकी थी उस टाइम पे। ये एक सोच रखना कि एक औरत जो एक राजे तक को जन्म दे देती है, वो नीची कैसे हो सकती है या वो बुरी कैसे हो सकती है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। आपको पता है उस टाइम पे जब गुरु नानक देव जी का दौर था, तो उस टाइम पे बाबर के बहुत जुल्म हो रहे थे। उस टाइम पे ये माना जाता था कि शायद औरतों का जो श्रृंगार है वो उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान है, जिसे हम गहना कहते थे वो उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान था, क्योंकि तब युद्ध हो रहे थे, तो औरतों की जो मतलब इज्जत थी वो बहुत लुट रही थी, रेप्स बहुत हो रहे थे। तो उस टाइम पे भी गुरु नानक देव जी ने अपनी आवाज़ बाबर वाणी में उठाई थी, औरतों के हकों के लिए और समाज के बेनिफिट के लिए उठाई थी। बिल्कुल, उन्होंने ही कहा था कि औरत जो दुनिया को चलाती है उनकी वजह से ही कुल आगे बढ़ता है, तो उनको हम पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। तो उनकी वजह से ही उन्होंने ही सोच को, जो बाकी लोगों की सोच थी ना कि नहीं लड़की पैर की जूती है, लड़की को पीछे रखना चाहिए, उन्होंने ही क्वेश्चन उठाया था कि नहीं, लड़की को आगे लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर मैं उनकी बात करूं तो शायद मैं ये कहूंगी कि वो एक बहुत सराउंड फैमिली से थे, क्योंकि मैता कालू जी या माता तृप्ता जी जो उनके पेरेंट्स थे, एक अच्छी फैमिली थी, या फिर अगर वो चाहते तो वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते थे, बट वो एक उन्होंने ऐसी लाइफ को चूज़ किया जहाँ पर वो अपनी सोसाइटी के जो गलत बातें थी उनको उठा के उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, जो बहुत बड़ी बात थी। सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं तो उस टाइम में कुछ लोग नशे करते थे और नशे करने के बाद डोमेस्टिक वायलेंस करते थे अपनी औरतों के ऊपर, तो उस चीज़ के लिए भी गुरु नानक देव जी ने आवाज़ उठाई कि ये बंद होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज बंद होनी चाहिए। तो ये कितनी बड़ी बात है कि जिस टाइम में इन चीज़ों का सोचा भी नहीं जा सकता था कि चेंजेस आ सकते हैं, और शायद ये बहुत कॉमनली जाती थी, कॉमनली जाती थी उस टाइम में, गुरु नानक देव जी ने इन चीज़ों की बात उठा चुके थे। उनके बात उठाने के बाद ही, जो अगर हम सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें या फिर भीमराव अंबेडकर की, ज्योतिबा फुले की बात करें, इन्होंने उनके ही जो रखे हुई नींव थी उसके ऊपर उसके बाद एक तरह से ये कह सकते हैं कि उनके नक्शे कदमों पर ये चले थे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अमन, अगर मैं अब आज हम जो बात कर रहे थे, हम पांच ऐसे, हम उन मेन की बात कर रहे थे जिन्होंने औरतों को ऊपर उठाया है, तो जैसे आपने स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो ये वो इंसान थे या वो एग्जाम्पल्स थी जिन्होंने ये साबित किया था कि नहीं, हर कामयाब औरत के पीछे या हर एक चीज़ की अपलिफ्टमेंट के पीछे एक आदमी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। मतलब मैं इस चीज़ से पर्सनली अगर बताऊं तो मैं बहुत अग्री करती हूं, क्योंकि शायद अगर आप हो या मैं हूं तो हम भी अपने अपने घरों में इसीलिए आगे आ सकें क्योंकि शायद हमारे घरों में कोई था जिसने हमें सपोर्ट किया। जैसे अच्छा, अगर आपकी बात करूं मैं, तो आपके घर में ऐसा कौन सा मेल था जिसने आपकी सपोर्ट करी यहां तक आने के लिए? मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो हाँ, मेरे भाई थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन हाँ, सबसे पहला अगर कोई सपोर्टिव पर्सन था तो शायद मैं वो कहूँगी कि वो मेरे ग्रैंडफादर थे। मतलब मेरे दादाजी का ना बहुत इंटरेस्टिंग सा ये बात है, मतलब किस्सा है कि जब मेरे को अक्सर ये बताया जाता है कि जब मैं होने वाली थी तो उन्होंने ये बोला था, क्योंकि हमें एक ही बच्चा चाहिए लेकिन वो लड़की होनी चाहिए, तो मेरे दादाजी वो पर्सन थे जिन्होंने हर जगह जाके कहते हैं ना कि दुआ की थी कि लड़की हो। उसके अलावा मेरे कज़न्स हैं, जो मैं ब्रदर्स की बात करी, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। शायद मेरी ज़िंदगी में मेल्स थे जिन्होंने ये चीज़ की कॉन्ट्रीब्यूशन की है। तो कहीं ना कहीं हर एक औरत के पीछे कोई ना कोई ऐसा मेल होता ही है जो उसकी पूरी सपोर्ट करता है। तो मैं चाहूँगी कि
आप लोग भी जो हमें देख रहे हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके पीछे ऐसा कौन सा मेल है, आपका भाई है, आपका पति है जी, या जी. आपके पापा है या कोई भी है जो आपका साथ दे दे. तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता के ज़रूर हमें बताना है. और आज का जो एपिसोड है हमारा यहीं पे ख़त्म होता है. कल दोबारा हम कुछ नए लोगों के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.